अंधेरों के बीच रहने की कुछ यूं आदत पड़ी कि उजालों से डर लगने लगा, गैरों के बीच कुछ यूं उलझ गए कि अपनों से ही रिश्ता टूटने लगा। वक्त की साजिश भी कुछ समझ आई नहीं, जो दिल के सबसे करीब था वही हमसे बिछड़ने लगा। शायद गलती भी कुछ हमारी ही होगी, गुनाह हमने शायद कुछ ऐसे किए ही होंगे कि जो वो खुदा का रूप भी हमसे रूठने लगा। फिर ये जिंदगी भी हमसे कुछ बेवफाई सी करने लगी, उसकी राहों पर तन्हाई भी बढ़ने लगी। पर अब कुछ फर्क पड़ता भी नहीं है हमें, क्योंकि दिल भी ये पत्थर सा बनने लगा। अब कुछ प्यार फरमाइएगा। ख्वाबों में जब कभी दीदार कर लिया करते थे उनका, बातें लाखों कर लेते थे हम, जिंदगी ने अब उस मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहां सपना भी असलियत से सुहाना लगने लगा। शायद उस समुंदर में डूबना हमारे नसीबों में था ही नहीं, शायद उसका नाम हमारे लकीरों में गहरा गड़ा था ही नहीं। जिसकी सही के लिए हमने हर एक को गलत माना, आज वही हमें गलत समझने लगा। शायद जगह उसकी इस दिल में किसी और के नाम हो पाएगी नहीं, शायद तस्वीर किसी और की इन नजरों में समाएगी नहीं। गम नहीं अब चाहे सदियां बीत जाए, क्योंकि अब मैं उसकी माफी का इंतजार करने लगा। अब इसके बाद हर फेज आता है कि आप लोग पूछते हो कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कि मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरे साथ क्यों ऐसा। तो मैंने भी उसमें कुछ लिखा था, सुनाना चाहूंगा। ऐ खुदा तूने क्या दस्तूर बनाया, सच्ची मोहब्बत करने वालों को ही सताने का क्यों अपना फितूर बनाया। क्यों इस वक्त को इतना बेरहम और तकदीर को इतना बेवफा बनाया, जिंदगी की राहें भी उलझा दी और इस काफिले में हमें क्यों गुमनाम बनाया। दिलों का राजा ना सही पर दिलों में पनाह तो दिला देता, क्यों इस दीवाने को भी दर दर का फकीर बनाया। पुराने घाव भरे भी नहीं थे और तूने नए जख्मों का मोहताज बनाया, इस दिल को तड़पने का क्यों तूने फिर से नया सिलसिला चलाया। अगर चकोर बनाना ही था उस चांद को एहसास तो दिला देता, तूने क्यों ये इश्क फिर एक तरफा ही कराया। हर बार उसी इश्क से ये ठोकर खाती है, ओ खुदा तूने क्यों इस जिंदगी को देख के चलना नहीं सिखाया। इसके बाद फिर वही बात आती है कि आप मूव ऑन करने की कोशिश करते हो बट स्टिल कहीं ना कहीं आप रह जाते हो, तो उस फेज के लिए भी लिखना की कोशिश की थी मैंने। तो जिंदगी से पूछता था कि क्यों आप उसी पॉइंट पे रुके हुए अभी तक, तो ये उस फेज के टैंक की बात है। भूल जाती है पिछली ठोकर को, ओ जिंदगी तू क्यों देख कर नहीं चलती, फिर उसी की बातों में क्यों खोसी जाती है, फिर उसी की हंसी की गुलाम क्यों होसी जाती है। जिस मंजिल की राहों पर कोई उजाला ही नहीं है तो क्यों फिर उन राहों की मेहमान बनसी जाती है। क्यों भूल जाती है हर बार उन आंसुओं को और उन तन्हाई भरी रातों को, उसके मतलब से भरी हुई बातों को और उसके दर पर धूल खाती हुई अपनी यादों को। ओ जिंदगी क्यों तेरे लिए क्यों तेरी जान फिर बनसी जाती है, जिन जख्मों का कोई मरहम भी नहीं है तो क्यों उन जख्मों को फिर परोती चली जाती है। जिन रिश्तों का कोई कल ही नहीं है तो क्यों उसके लिए इतना सहती चली जाती है। जिसके लिए इश्क धर्म ही नहीं है तो क्यों उसके दर पर खाक होती चली जाती है, तो क्यों उसके दर पर खाक होती चली जाती है। अब एट द एंड ठीक है मैं कुछ मोटिवेशनल था लिखने की कोशिश कर रहा था बट शायद कर नहीं पाया। करिए चार लाइनें लिखी थी मैंने। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, खुद प्यासे के पास चलकर वो समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठा कर ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मजा भी आएगा। क्या हुआ अगर तकदीर साथ नहीं, क्या हुआ अगर मंजिल पास नहीं, दुआएं हाथों में लिए चलता चल, जो जमीन को क्या आसमान भी हिला जाएगा।